हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्भुत राजनीति। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लिविंग रिलेशनशिप के बारे में, और मैं आपको इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से लिविंग रिलेशनशिप क्या है और इंडिया में इसके लिए कौन से लॉज है, ये सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग शादी के बिना लंबे समय के लिए एक इमोशनल और फिजिकल रिलेशनशिप में रहने के लिए सहमत होते हैं। लिविंग रिलेशनशिप्स वेस्टर्न कंट्रीज में काफी कॉमन है और धीरे धीरे इंडिया में भी ये ट्रेंड पॉपुलर होता जा रहा है। लिविंग रिलेशन चूज करने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे शादी से पहले कपल्स एक साथ रहकर प्रैक्टिकली एक दूसरे को समझ पाए, या फिर एक साथ रहकर अपने फाइनेंशियल स्टेटस को समझ सके। इसके अलावा कई कपल्स सेम जेंडर के होते हैं, जिसकी वजह से वे लिविंग रिलेशन में रहना पसंद करते हैं। कई लोग मानते हैं कि रिलेशनशिप्स उनका निजी मामला है और वे इसे किसी रिलीजियस या पॉलिटिकल व्यूज के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। वहीं कई लोग कानूनी तौर पर एक ही रिश्ते में लंबे समय तक नहीं बनना चाहते और इसीलिए वे रिलेशनशिप का ये तरीका चूज करते हैं। पहले लिविंग रिलेशनशिप इंडियन सोसाइटी में वर्जित माना जाता था, पर इंडिया के बड़े शहर जैसे बेंगलोर, मुंबई आदि में कपल्स लिविंग रिलेशनशिप अपनाने लगे हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 80% इंडियन लिविंग रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं, पर 0.5% लोग ही इस तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह अपनी फैमिली को फेस करना है। इसी वजह से कई इंडियन कपल्स अपने लिविंग रिलेशनशिप्स को अपनी फैमिली से छिपाते हैं। रूरल इंडिया में लिविंग रिलेशनशिप में रहना आज भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शादी से पहले कपल्स का फिजिकल रिलेशन एक पाप की तरह देखा जाता है। इंडियन कल्चर में भी वन मैन वन वाइफ का प्रिंसिपल होने की वजह से इस तरीके के रिलेशनशिप को एक टैबू माना जाता है, बट धीरे धीरे लोगों की सोच इस सब्जेक्ट को लेकर काफी बदल रही है और नई पीढ़ी में लिविंग रिलेशनशिप कॉमन होता जा रहा है। इंडिया में कई पर्सनल लॉज जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ आदि हैं, जो शादी के गठबंधन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, पर लिविंग रिलेशनशिप के लिए स्पेसिफिकली कोई लॉ मौजूद नहीं है। पर भारतीय शीर्ष अदालत ने कई जजमेंट्स में ये कहा है कि अगर दो लोग लंबे समय से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो उन्हें शादीशुदा माना जाएगा और उन पर वो सभी लॉज एप्लीकेबल होंगे जो एक शादीशुदा जोड़े पर होते हैं। साथ ही अगर दो लोगों में प्यार है और वे साथ रह रहे हैं, तो इसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा और इसीलिए लिविंग रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है। इंडिया में शादी के विवादों को सुलझाने के लिए मैरिज लॉ बनाए गए हैं और पर्सनल लॉ के अंडर लॉ ऑफ मेंटेनेंस के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग अगर पत्नी अपना रख रखाव नहीं कर सकती, तो वे अपने पति से रख रखाव की राशि ले सकती है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के सेक्शन 21D के अंडर महिलाएं एक्स्ट्रा मेंटेनेंस भी ले सकती हैं। लिविंग रिलेशनशिप की कोई लीगल डेफिनेशन इंडियन लॉ में नहीं है, जिसकी वजह से इसमें मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और इंडिविजुअल केस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। लिविंग रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को न सिर्फ वैध माना जाएगा, बल्कि इन बच्चों का हक सभी प्रॉपर्टीज पर होगा, चाहे वो पुश्तैनी हो या खुद खरीदी हुई। पर लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते। क्रिमिनल प्रोसीडर कोड का सेक्शन 125 बच्चों को भी राइट टू मेंटेनेंस देता है। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2F की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लिविंग कपल्स पर भी लागू होता है। इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में लिविंग रिलेशनशिप्स के लिए कई पॉजिटिव चेंजेस किए हैं, खास करके फीमेल लिविंग पार्टनर्स के लिए।
महिलाओं को भारतीय कानून के मुताबिक इकोनॉमिक राइट्स दिए गए हैं। वहीं 2008 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रीजनेबल पीरियड तक लिविंग में रहने वाली महिलाओं को वाइफ का स्टेटस देने का प्रपोजल भी ग्रांट किया था। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से फीमेल लिविंग पार्टनर्स को CRPC के सेक्शन 125 के तहत वाइफ की परिभाषा में इंक्लूड करने की सिफारिश की थी, जिसका मकसद इन महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सभी सेक्शंस ऑफ लॉ का फायदा पहुंचाया जा सके। इंडियन जुडिशरी के कई डिसीजंस की वजह से इंडिया में आज लिविंग रिलेशनशिप लीगल है। इंडियन गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स तो लिए हैं, पर अभी भी इस सब्जेक्ट में कई और सुधार करने की गुंजाइश बाकी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।